हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। ये कार बाहर रखा हुआ था किसी का, देखो पूरा भर चुका है स्नो से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी वाला संडे, स्नो वाला संडे। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलो चलो अंदर चलते हैं, मुझे भी ठंड लग जाएगी, आप लोगों को भी ठंड लग जाएगी। और केश के बर्थडे ब्लॉग पे जो मैंने स्नोफ्लेक्स दिखाए थे, आप लोगों को बहुत अच्छे लगे। एक्चुअली वो बिल्कुल मैजिकल मोमेंट था मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने भी आज तक कभी नहीं देखा। जो आज तक पिक्चर में देखी है वो अपनी आंखों से देखना, इट वॉज अमेजिंग। लाइक सच में ऊपर बैठा ना सबसे बड़ा मैजिशियन है, पता नहीं क्या क्या मैजिक रचता रहता है। I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Mona. I reach through mysterious ceilings. My home. जब से ये साल शुरू हुआ है, लाइक 1 जनवरी को मेरा प्लान था मटर की कचौरी बनाने का। बंगाली में इसको कौड़ाई शुटी कोचूरी बोलते हैं और आलू दम के साथ बहुत अमेजिंग लगता है। तो 1 जनवरी को तो हुआ नहीं, केयूष की तबीयत खराब थी। उसके बाद से बस हर एक वीकेंड मैं सोच रही हूँ, बट कुछ ना कुछ काम निकल आता है और मॉर्निंग में लेट हो जाता है और फिर ये बनाना रह जाता है। तो कल हमने फुल ऑन आराम किया है पूरा सैटरडे, क्योंकि फ्राइडे बर्थडे था, सभी थके हुए थे, मैं तो बहुत टायर्ड थी। तो कल आराम से उठे और पूरा दिन रिलैक्स किया, काफी सारा लेफ्ट ओवर भी था तो ज्यादा कुकिंग भी नहीं करनी पड़ी, सिर्फ मैंने ब्लॉग एडिट किया और कुछ भी नहीं किया, खूब सारा आराम किया। तो आज मैंने सोच ही लिया था कि सुबह सुबह उठ के मटर की कचौरी बनानी है और आलू दम सिंपल वाला। आलू मैंने ऑलरेडी बॉइल करके रख दिया है, फ्रोजन मटर था तो काफी सारा पानी है, इसका पूरा मॉइस्चर सुखाना है। तेल में मैं डाल रही हूँ जीरा, हींग, नमक, बस इसको हाई फ्लेम पे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है ताकि इसका पूरा मॉइस्चर सूख जाए और सूखा सूखा मसाला बन जाए। इसमें सिर्फ मसाले में मैं जीरा ऐड करती हूँ और लास्ट में थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर ऐड करूंगी, ज्यादा कोई मसाला नहीं जाता है इसमें, ताकि जो मटर का एक्चुअल फ्लेवर है वो बना रहे, क्योंकि मटर की कचौड़ी है तो पता चलना चाहिए खाते टाइम कि सिर्फ मटर का स्वाद आए। मटर अच्छे से सूख चुके हैं, अब इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। जब तक मटर ठंडा हो रहा है मैं आटा गूंद लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कप होल व्हीट फ्लावर लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा मैदा, नमक और तेल, इसको अच्छे से मिक्स करके आटा गूंदना है, जैसे पूरी कचौरी का आटा गूंदते हैं ना वैसे ही, ना ज्यादा सॉफ्ट ना ज्यादा हार्ड। मटर भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है, आटा भी रेडी है, आलू की सब्जी भी बन गई है और यहाँ पे तेल गरम हो रहा है। बेलते टाइम आटा का यूज नहीं करना होता है, बस हल्का हल्का तेल लगा के और बहुत जेंटली रोल करेंगे ताकि ये फटे ना। स्टफिंग अच्छे से ही डालना है, बट टू मच भी नहीं, नहीं तो फिर फट जाता है। I should be the last to know we're all in this. I stand alone. Show me where the ending goes. Honest. पति को बुला लेती हूँ हेल्प के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नहीं सुनो, आजा थोड़ा पूरी। चलो भाई संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट। कचौरी, आलू कचौरी। हाँ आलू भी तो है, मतलब आलू की सब्जी के साथ कचौरी। कंफ्यूज कर दिए हो। और ये डॉन वापस आ गया है। शाकाल, शाकाल पूरा, शाकाल तो पूरा गंजा था, पूरा गंजा था तब वो हुआ था शाकाल। मामा, They have tusks, like unicorns have tusks. ये लगे स्नो क्लीन करने में। यहाँ पे अगेन पेंटिंग डेंटिंग स्टार्ट हो गया है। We're making rings. रिंग, yeah, I'm making a strawberry one. स्ट्रॉबेरी रिंग, yes. तो ये है स्केट पार्क, थोड़ा सा आंधी तूफान आया था तो ये जो लोग हैं वो गिर पुड़ गए हैं। And somebody's hair fell off.
ये बाइक सबसे मस्त लगा मुझे, बड़ा ही क्यूट है। कियुष के बर्थडे के दिन सारे बच्चों ने मिलके ये स्केट पार्क बनाया। और आप लोग पूछ रहे थे कि इसका लिंक दे दूं, मैं चेक करूंगी अमेजोन पे, शायद मिल जाए। वैसे आप सर्च करोगे लेगो सिटी स्केट पार्क। वेदर काफी खराब है, स्नोफॉल हुए जा रहा है, हल्की हल्की फ्लरीज ही हो रही है, बट फिर भी कहीं जा नहीं पाएंगे, घर पे ही बैठना है। हाँ, डू फन स्टफ। ये लोग तो फन स्टफ ऑलरेडी कर रहे हैं, बट प्लीज पेंट संभाल के। यशा माउस खो गया भाई, हमारे घर में चूहा खो गया, चूहा खो गया किसी का यार। लेके ना हर कोई खेल लेता, प्ले कर लेता, बाद में बोलते आई डोंट नो। ये दोनों अपना बुक का लैपटॉप बनाते हैं और इनका माउस लेके वो एक्चुअल वाला माउस बन जाता है और फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है। Yeah. ये देखो येशा ने रिंग बनाया है, थोड़ा बिग बना लेते बेटा, बट इट्स वेरी क्यूट मार्बल से। इट्स नॉट पेंटेड, हाँ इट्स पेंटेड बट समवन एल्स पेंटेड। अच्छा, यहाँ पे तो पूरा मशीन का अंजर पंजर खुल गया है, ऐसा पेपर अटका है कि बस। चाय पियो, दिमाग की बत्ती खुलेगी। ठगराइन, खुश तो बहुत हो गए रहे आज कोई। मैं तो एक दो दिन पहले से ही बहुत खुश हूँ। ये देखो सूट की पूरी दुकान लगा रही हूँ मैं, अभी बताती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या आया है और कहाँ से आया है। मतलब मन में तो ऐसे लड्डू फूट रहे होंगे ना, हाय आ गया आ गया, क्या बात। आप लोगों को पता है कि मुझे इंडियन वेयर पहनना कितना अच्छा लगता है और मैं बहाने ढूंढती रहती हूँ इंडियन वेयर पहनने का। और जब भी इंडिया जाती हूँ मैं भर के शॉपिंग करके लाती हूँ, लाइक मॉल से, लोकल शॉप से। स्पेशली चंडीगढ़ में बहुत प्यारे प्यारे सूट मिलते हैं। जितने मेरे नए कपड़े थे सब खत्म हो गए हैं और नेक्स्ट कब इंडिया जाना होगा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हमें से किसी को भी नहीं पता। तो इतने सारे सूट मुझे भेजे हैं सिया फैशन ने, ऑनलाइन वुमेन क्लोदिंग स्टोर है, हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे आपको, साड़ी, सूट, लहंगा, पार्टी वेयर, नॉर्मल कुर्ते और बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है। आप ऑनलाइन जाके देखना। और इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड शिपिंग है इनकी, इंडिया में शिपिंग फ्री है। और सबसे अच्छी बात है ना कि आप कस्टम स्टिचिंग करा सकते हो। उनका व्हाट्सएप नंबर है, शिपमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो और बहुत प्रॉम्प्टली रिप्लाई आ जाता है। और पूरा वो मेजरमेंट का फॉर्म सेंड कर देते हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लो। मैंने एक दो सूट ट्राई किए थे, फिटिंग बहुत अच्छी आई है, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी उनके वेबसाइट पे फ्लैट 10% का ऑफ भी चल रहा है, तो आप लोग जरूर चेक करना। इतने प्यारे प्यारे कपड़े अगर इंडिया से बाहर रह के हमारे घर तक पहुंच जाए, और अगर आप मेरे जैसे हो फिर तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। शिपमेंट भी बहुत जल्दी आ गई थी और इस तरह के बैग्स में आए थे सारे कपड़े। तो ये बैग्स भी बाद में बहुत काम आते हैं छोटी छोटी चीजें रखने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो वाला सूट देख के ही मुझे लगा कि चलो मेरे इस ईयर का करवा चौथ का सूट आ गया। कितना प्यारा रेड कलर है। और मैंने मोस्टली ना सारे डार्क कलर्स ही मंगवाए हैं। मैं ना शादी से पहले बहुत हल्के कलर्स पहनती थी, बट शादी में जब मैंने डार्क कलर्स लिए ना तो इतने अच्छे लगते थे वो, मेरे पे फोटो भी बहुत अच्छे आते थे। तो उसके बाद से ना मैंने लाइट कलर पहनना बहुत कम कर दिया, कभी कभी बस वाइट पहनती हूँ, वो भी डार्क दुपट्टे के साथ। बट ये वाला रेड कलर का सूट देखो कितना अच्छा है, इसके बॉर्डर पे भी पूरा डिजाइन बना हुआ है और लोअर भी पैंट स्टाइल है और इसके नीचे देखो सेम ऐसा डिजाइन बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। और इसका दुपट्टा तो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, किसी भी व्हाइट कलर के सूट के साथ भी आप अगर ये दुपट्टा लो ना इतना बढ़िया लगेगा, बिल्कुल प्रिटी प्रिटी। अगर किसी की नई शादी हुई है ना और पहला करवा चौथ है तो बेस्ट है ये। और एक ये वाला सूट है, पर्पल कलर का है, एग्जैक्टली वाइन कलर जैसे होता है ना वैसा सा है और पूरा जरी का काम है, थ्री पीस में है ये, ऊपर कट स्लीव्स है इस तरह का और इसका नेक देखो कितना फ्रिटी है और इसके ऊपर से इस तरह का जैकेट है। मेरे पास ना इस तरह का जैकेट वाला सूट एक भी नहीं है और ये इतना ट्रेंडी है, मुझे देख के बहुत मन करता था कि इस तरह का जैकेट वाला सूट एक पहनना तो बनता है। काफी हैवी है ये भी, पार्टी वेयर सूट टाइप सी है। ये वाला मेरा सबसे फेवरेट है, नॉर्मल ब्लैक सूट है, बिल्कुल प्लेन ब्लैक, जेट ब्लैक, कॉटन में है, फैब्रिक बहुत अच्छा है ये वाला। और इसका दुपट्टा बंदेज का दुपट्टा और वो भी ऐसे वाले लटकन के साथ,
मेरा तो ये दुपट्टा देख के ही ना बस दिल आ गया कि ये तो मेरे हर सूट के साथ, किसी भी प्लेन सूट के साथ जाएगा। और बताओ मुझे क्या लगा, दिवाली में होम डेकोर के भी काम आएगा। मुझे तो इस तरह का बंदेज का दुपट्टा ना बहुत प्रिटी लगता है। ये वाला कलर तो मेरा फेवरेट है। चलो ये वाला ना पहन के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये वाला मेरा फेवरेट है, ये कलर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और फिटिंग बहुत अच्छी है। ये मुझे ना बहुत टाइट सूट नहीं अच्छा लगता है, हल्का सा लूज रहे तो कंफर्टेबल लगता है। मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा बताना मुझे। थोड़ा सा लिपस्टिक और थोड़ा सत्सवर के आगे अब इतने अच्छे सूट के साथ थोड़ा तैयार होना तो बनता है ना। प्रिटी स्ट्रॉबेरी। अच्छा चलो पति का रिएक्शन देखते। कैसा लगा? It's nice. बढ़िया है ना? और ये रहे मेरे टेलर मास्टर। Yes, measurement. क्रेडिट जाता है सच में, मेजरमेंट थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो गड़बड़ हो जाता है, बट बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। जैसा मुझे अच्छा लगता है ना बिल्कुल वैसा ही है, कि थोड़ा सा ढीला भी है, अगर मोटी भी हो जाती हूँ तो कोई बात नहीं। फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज कॉन्टेक्ट। ओके सर, मैं चेंज करके आती हूँ, ठीक है? वेट फॉर मी। गो। ये वाले सूट का कलर भी बहुत अच्छा है, ऑलिव ग्रीन है, बिल्कुल लाइट कलर है और ना शिफॉन सिल्क है तो बहुत ही सॉफ्ट है। और इसके स्लीव्स के ऐसे नीचे देखो मोती लगी हुई है, बहुत प्यारा है। और कश्मीरी स्टिच है, थ्रेड वर्क है और जरी का भी काम है। और इसका दुपट्टा प्योर शिफॉन का है, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। और इसका लोअर देखो कितना प्यारा है, पैंट स्टाइल में है और एग्जैक्टली जहाँ पे कुर्ता फिनिश हो रहा है ना उसके नीचे से ही एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट हो रही है, तो बहुत ज्यादा मुझे स्मार्ट लगा ये वाला सूट। जैसे जैसे सूट पहन रही हूँ ना मुझे लग रहा है नहीं ये मेरा फेवरेट है। मतलब कौन सा फेवरेट है ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे ही कलर्स बहुत डिफरेंट है। मेरे पास स्पेशली इन सारे कलर्स में कोई सूट नहीं है। और वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क तो बहुत अमेजिंग है, ससुराल में पहनने वाले सूट है सारे। पंजाब में चंडीगढ़ में ऐसे हैवी सूट पहने जाते हैं, लाइक शादी के टाइम तो मुझे सारे ऐसे हैवी सूट ही मिले थे। कुछ दिन तो मैंने पहने, उसके बाद फिर वही कॉटन सिंपल सिंपल सूट ही हो गया। और यहां से जब जाती हूँ तो मेरे पास एक्चुअली कुछ नहीं होता, वही कॉटन के सूट कुर्ते होते। तो इस बार ही नेक्स्ट जब जाऊंगी एकदम पंजाबी बहू लगूंगी मैं। बहुत अच्छा लगा, ये रेड कलर में है ना, बेस लाइट कलर में है और रेड कलर से ये फ्लावर्स जो बने हुए बहुत प्रिटी लग रहे हैं। इस वाले सूट का सबसे बेस्ट पार्ट है ये कॉन्ट्रास्ट कलर का दुपट्टा, और ये ना हल्की सी लखनवी जैसे चिकनकारी होती है ना उस तरह का है इसका थ्रेड वर्क, एग्जैक्टली नहीं है बट उस तरह का लुक दे रहा है। और ये डीप ब्लू कलर का दुपट्टा, ये वाला भी बहुत अच्छा लगा, सिंपल सा है बट ये जो कॉन्ट्रास्ट कलर का कॉम्बिनेशन है ना इसके कारण बहुत ही डिफरेंट सा लुक आ रहा है। और इसके साथ मैंने थोड़ा झुमका भी चेंज कर लिया। ये वाला एक सूट है बॉटल ग्रीन कलर का, इसमें सिल्वर कलर और लाइट ब्लू कलर के थ्रेड से वर्क किया हुआ है। ये भी जॉर्जेट में है और अंदर सबके ना लाइनिंग है तो कुछ भी आपको कराने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ भी कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा है एग्जैक्टली जैसे ये वाला है ना बॉटल ग्रीन कलर का, और ये है लाइट कलर का और उसमें सेम इसी कलर से यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये भी। ये वाला सूट भी बहुत सिंपल सा है बट ये वाला कलर बहुत अच्छा है, एकदम डार्क ब्लू कलर, समरी समरी टाइप्स, बहुत ज्यादा प्रिटी है। और इसके साथ है इस तरह का दुपट्टा, इस तरह का गोटा लगा हुआ है, कलर बहुत ज्यादा प्यारा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनके वेबसाइट का लिंक छोड़ दूंगी, आप लोग जरूर चेक करना। ये सारे सूट भी मिलेंगे आपको, मैं ट्राई करूंगी अगर ये सारे सूट का एग्जैक्ट लिंक मुझे मिला वो भी ऐड कर दूंगी। उसके अलावा भी आप बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हो, इनकेस आप साड़ी मंगवाना चाहो या लहंगा मंगवाना चाहो किसी स्पेशल ओकेजन के लिए, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और सेल तो है ही, फ्लैट 10% का सेल चल रहा है, एक बार ये वाला दुपट्टा डालना तो बनता है।
ये वाला दुपट्टा तो लाइक फेवरेट। कोई भी सिंपल सा सूट पहन लो और उसमें ये डाल लो। तो अब मैं आपको कोई भी नए सूट में दिखूंगी ना, तो समझ जाना कि इसी लॉट में से होगा। वैसे मैंने मोस्टली दिखा दिया है, एक दो ही रह गए, तो थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट भी रहना चाहिए। कभी पहनूंगी फिर बताऊंगी। तो आपको कौन सा सूट अच्छा लगा मुझे जरूर बताना, और आप लोगों ने भी अगर सिया फैशन से कभी भी लिया है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। और अगर अभी खरीदते हो तो जब भी आपको ड्रेस मिल जाए उसमें पिक्चर क्लिक करा के मेरे साथ इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल पे जरूर शेयर करना। बाहर ऐसा वाला वेदर हो रहा है, वैसे घर से बैठ के देखने में तो अच्छा ही लगता है, और हम ऐसे तैयार होकर बैठे हैं जैसे लग रहा है किसी शादी में जा रहे हैं। कितना मन करता है ना ऐसे तैयार होते, स्पेशली और मन करता है कि किसी शादी में जाते हैं। यार बहुत टाइम हो गया, लाइक लास्ट 2 साल पहले भाई की शादी अटेंड की थी, बस वही है, अब पता नहीं कब। और इतना सारा मेस भी फैला लिया है, अब सिंपल से कपड़ों में आते हैं और ये साफ करते हैं। 2 दिन हो गए खीर बनाए हुए, खीर नहीं खाए, वैल्यूची नहीं है। शुभ काम कर रहे हो, खीर खाओ, मीठा खाओ, सही है ना? मस्त। और शुभ काम क्या कर रहे हो हम बाद में बताएंगे जब वो काम हो जाएगा। आज तो सारा टाइम उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है, 4 बजने वाले हैं, मेरा ब्लॉग एडिट नहीं हुआ, इतनी लेट से सब पूरियां कचोरी खाए हैं, किसी को भूख नहीं लगी, तो पक्का वाला संडे बन रहा है और मेरा ब्लॉग रह गया। अब आप लोग बोलोगे सुची ब्लॉग नहीं डाला, इसीलिए मैंने आज ब्लॉग नहीं डाला। आज का तो लंच स्किप ही हो गया क्योंकि 4 बज गए। 10:30 खाया ना पूरी और वो आलू, और उसके बाद फिर मीठा केक, ये सब तो चल ही रहा है। ये जब तक बर्थडे की चीजें रहेंगी ना वैसे ही रहेगा। और इतना मीठा मीठा हो गया ना, मन कर रहा है तीखा खाने का। अनुज भी बोल रहे थे कुछ तीखा सा बना लेना, तो ये चिंग सिंगापुरी नूडल्स बना रही हूँ। अनुज के लिए तो मसाला डाल के बना दूंगी, बट ये मसाला बहुत तीखा होता है, इनफैक्ट मैं भी नहीं खा पाती हूँ। तो बच्चों के लिए मैं अलग से नॉर्मल जैसे नूडल्स बनाते ना वैसे ही सब्जियां डाल के बना देती हूँ कि अटली सब्जियां तो खाएंगे। मैं अभी बैठ के सारे कपड़ों को ठिकाने लगा रही हूँ और सारे पुराने कपड़े निकल रहे हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ड्रेस जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो थम्स अप जरूर देना, सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज। ओ बेल्ट लगा के घूम रहे ये पापा का, बैठ के पीते बेटा, चलो बाय बाय। Fell in love with the way we are.